मुकाम चाहते हो तो इज्जत करो, और इज्जत चाहते हो तो खामोशी इख्तियार करो। तकदीर से लड़ना छोड़कर तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर लें, बिन मांगे ही सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। कभी कभी शाम कुछ इस तरह से ढलती है कि हमें अपने दिल समेत सब कुछ डूबता हुआ महसूस होता है। जवाल चाहे दिन का हो या किसी भी अरूज का, हमेशा उदास कर जाता है। इतने रिश्तों का क्या फायदा जब हर दुख तकलीफ अकेले ही काटनी हो। खुद को इतना मजबूत कर लो कि अपना गम खुद उठा सको। जब किसी के लिए आपका होना ना होना एक जैसा हो जाए, तो रिश्ता कोई भी हो अपने कदम पीछे कर लो, ताकि आपकी इज्जत नफ्स अपनी ही नजर में मजरूह ना हो। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सच्ची हमदर्दी सिर्फ ये नहीं कि आपको दूसरों के दर्द का एहसास हो, बल्कि उस दर्द को दूर करने की ताबीर भी कीजिए। अपने इर्द गिर्द आगे बढ़ते और कामयाब लोगों को ढूंढें, ताकि आप में भी कामयाबी हासिल करने और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो। लोगों से हालात पूछने की बजाय हाल चाल पूछें, उनके दर्द को महसूस करें, ताकि हमें भी मालूम हो कि लोगों की दुनिया हमारी दुनिया से किस कदर मुख्तलिफ है, और वो अपनी दुनिया में किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। दिल का सुकून पाने के लिए दिलों को सुकून देना लाजमी है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेसुकून रहेंगे, आपको कभी भी हकीकी सुकून नहीं मिल सकता। याद रहे कि दिलों में रब बसता है, तो आपस में अच्छे और नेक बर्ताव करें कि दूसरों के दिलों और दुआओं में आप हमेशा जिंदा रहें, और अपना करदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ इतना वसी रखें कि आपकी ज़ात लोगों के लिए सुकून और खैर पहुंचाने वाली हो, और उनके लिए आपका साथ बायसे तकवीयत बने। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, बल्कि कुदरत का इंतखाब है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा इंतखाब है।